अच्छा, तो आज टाइम मिला कि मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं, क्योंकि कुछ अपडेट्स देनी थी आप लोगों को। पहली तो ये कि आपके भाई की जॉब लग गई है, तो गुजारा हो जाएगा, और साथ में ओवर रीड भी है तो उससे भी कुछ ना कुछ बन जाएगा। और दूसरा है कि मैं आज यूनिवर्सिटी थी तो आया हूँ, फ्राइडे का दिन है और क्लासेज है आज मेरी, तो टाइम फ्री था, मैंने कहा सोचा वीडियो बनाते हैं आज। और इसके साथ मैंने एक और भी चीज़ की, आप जब आना हो ना तो हुडीज़ भी आप कलेक्ट करें, यूनिवर्सिटी से फ्री की चीज़ है तो ले लें, आपको मिल जाएगी अच्छी हुडीज़ है। अच्छा, तो जॉब के ऊपर बात करते हैं कि मुझे कैसी मिली। वैसे मुझे एक दो और जगह भी जॉब मिली थी, लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं था ऐसे का और सिक्योरिटी का, तो वो मिस हो गई। और उसके अलावा जो जॉब मुझे मिली है वो ब्रेकफास्ट की कंपनी है, यानी ब्रेकफास्ट वगैरह लोगों को प्रोवाइड करती हैं, तो वहाँ पर लगी है, तो आप लोगों की भी लग सकती है ईज़िली। जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया था, मैं डायरेक्ट भी लोगों से मिलता था, और साथ में दूसरा मेरा ये सीन था कि मैं लोगों से इस तरह यानी डायरेक्टली मिल लूँ, और उससे ईमेल लेता था और उनको ईमेल करता था फिर बाद में, और उनसे व्हाट्सएप नंबर लेता था और वो भी करता था। और इसके अलावा आप दूसरा ये कर सकते हो कि इंडीड पे अप्लाई कर सकते हो, लिंक्डइन पे कर सकते हो। लिंक्डइन तो यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं होता, इंडीड पे आप अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ आप जॉब साइट पे, गमट्री पे, इन पे अप्लाई कर सकते हो जॉब्स के लिए। लेकिन डायरेक्ट मिलो उनसे, उनको ईमेल करो, वो आपको ईमेल आईडी दे देंगे और साथ में आपको व्हाट्सएप का नंबर भी दे देंगे, तो उनसे आपने मिलना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि या वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो कभी भी आपको वो गलत ही बताएंगे कि यहाँ पर जॉब नहीं है, ये है वो है, तो आपने डायरेक्टली मैनेजर से मिलना है, एम्प्लॉय से बात नहीं करनी, उसको कहना कि कहना मीन मैनेजर, तो उससे मिलने के बाद उसे बताना है कि मुझे जॉब चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस है, सारा कुछ बताने के बाद वो आपको जॉब ऑफ़र कर देंगे या फिर अपनी ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। और एम्प्लॉय कभी भी ये चीज़ें आपको नहीं देगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो डिमांड में रहें, वो अपने लोगों को लगाएं जो उनका एम्प्लॉय है, जो रिसेप्शन पे खड़े होते हैं, वो आपको अच्छी बात नहीं करेंगे। कम होते हैं जो कि अच्छी बात करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छी बात नहीं करते। तो आपने डायरेक्ट मैनेजर से मिलना है वो, या फिर एचआर से मिलना है, वो आपको सही तरीके से गाइड करेगा और शायद उसी टाइम आपको लगा भी दें अपनी कंपनी में, और साथ में ओवर हीट भी कर सकते हैं। मैं भी ओवर हीट कर रहा हूँ और दो दिन उस पर काम कर रहा हूँ एनआई पे, और बाकी ओवर हीट, और जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो कई और अगर अच्छी जॉब मिली तो भी कर लेंगे, बाकी यूनिवर्सिटी को अभी इंजॉय कर रहे हैं। और बाकी जो जॉब्स ढूंढने के मुताबिक बातें हैं कि वो ये है कि जब आप यहाँ पर आओगे और वो देखोगे, और रेफरेंस अगर आपका है, जो कि मैं अभी कुछ लोगों से मिला हूँ, उनका अच्छा खासा रेफरेंस था, मतलब कि दोस्त यार या आप इतने पहले से कज़न या फिर भाई, तो उनकी जॉब्स डायरेक्टली लग गई क्योंकि उनका रेफरेंस था अपनी जगह पर, अपनी टेकअवे में उनको लगा लिया, उनके अपने बिजनेसेस थे वहाँ पर लगा लिया कुछ लोग से मैं मिला हूँ। तो अगर आपके भी हैं तो आप बेगम हो जाएं, कोई मसला आपको नहीं होगा। अगर आपकी मेरी तरह हो कि कोई भी नहीं है आपका यहाँ पे, तो थोड़ी सी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, खुद ही हर एक चीज़ करनी पड़ेगी, जैसे एकोमोडेशन खुद ही देखनी पड़ेगी, बाकी चीज़ें खुद देखनी पड़ेगी, जॉब्स खुद ढूंढना पड़ेगा, और हर एक चीज़ खुद करनी पड़ेगी अगर मेरी तरह, तो ये सारी चीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आपका कोई है तो रेफरेंस हो जाएगा, डायरेक्टली आपकी जॉब लग जाएगी, रेफरेंस चलता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और बाकी अगर आप इंडीड पे अप्लाई करोगे तो उससे भी हो जाएगी, जैसे कि मेरा जो हुआ इंडीड पे, मैंने अप्लाई किया था, उनकी कॉल आई, और कॉल आने के बाद उन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप और ईमेल आईडी भी दी, और उन लोगों ने मेरी ट्रायल ली, ट्रायल की भी पेमेंट उन लोगों ने की मुझे, और उसके बाद प्रॉपर तरीके से मैं अब जाने लगा, सैटरडे संडे शिफ्ट हैं, और बाकी ऊबर ईट भी करता हूँ तो यू नो, और साथ में बिज़नेस का भी सोचा है तो उसको भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, और आगे फिर देखते हैं। अभी आज तो क्लास है, इसको एंजॉय करेंगे और यहाँ पर बैठे हैं। और वीडियो का भी मैंने सोचा कि आज बनाती, क्योंकि आज टाइम है मेरे पास ज़्यादा, और आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो ना तो आज मैं उनके आंसर दे सकता हूँ, तो क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भेजा करें या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उनके जवाब मैं हर फ्राइडे को दिया करूँगा, क्योंकि बाकी दिन मैं थोड़ा सा बिज़ी होता हूँ।